अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी एट के भारत की प्रथम डिजाइन एक्स यूनिवर्सिटी साइबर सेफ मिशन सीम्पोजियम नु उद्घाटन करियो छे। लोगों ने साइबर क्राइम नो भोग बनता अटकाववा माटे ने गुजरात सरकार नी एक पहल छे। राज्य ना गृह प्रधान श्री हर्ष संघवी अने इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट यूथ अने स्पोर्ट्स ना राज्य मंत्री आ कार्यक्रम नु उद्घाटन करियो अने गुजरात सरकार ना साइबर सेफ मिशन माटे अमदावाद पोलिस साथे यूनिवर्सिटी ना सहयोग नी जाहेरात करी। अनंत यू अर्थलिंग 2372 खाते नवी लेब नो उद्घाटन नी यादगिरी पण बनी हती। एआई टेक्नोलॉजी अने हाइपर विजुलाइजेशन नी प्रगति माटे समर्पित लेब जेनु उद्घाटन श्री हर्ष संघवी द्वारा करवामां आव्युं हतुं अने साइबर सेफ हेकाथोन नी जाहेरात पण करवामां आवी। अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी ना प्रोवोस्ट डॉक्टर अनुन्य चौबे जणाव्युं हतुं कि साइबर सेफ मिशन सीम्पोजियम नु उद्घाटन करवा माटे अमारा केम्पस मां गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मळवा बदल अमे गौरव अनुभवीए छीए। अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी भारत की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी है। यहाँ के सारे स्टूडेंट्स मूलतः डिजाइन में प्रशिक्षित होते हैं और डिजाइन का उद्देश्य है समस्याओं को सुलझाना। और अहमदाबाद पुलिस और अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक पार्टनरशिप एक एमओयू साइन किया है जिसमें योजना है आज के संदर्भ में एक बहुत ही बड़ी समस्या साइबर क्राइम्स की, जिससे व्यक्ति विशेष संस्थान सरकारें बड़े बड़े संस्थान सारे खतरे में हैं। तो ये पार्टनरशिप है किस तरह से एक तो आज की युवा पीढ़ी और डिज़ाइन के छात्रों और पुलिस जो पर्सनल हैं वो सब साथ मिलकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करके बच्चों के बीच, छात्रों के बीच, नवयुवकों और नवयुवतियों के बीच, ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिप्रेक्ष्य में इन सारे लोगों के बीच जागरूकता फैलाना का काम ये हम लोग करेंगे मिलकर। इसमें छात्रों को ट्रेन किया जाएगा, इसमें पुलिस पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंटरैक्शन डिज़ाइन, ये सारी जो विधाएं हैं डिज़ाइन की उनका उपयोग करते हुए इस समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। एमओयू का उद्देश्य यही है। खास करके सर ज़्यादातर फ्रॉड किस तरह से होता है और क्या क्या चेंज करते हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं? फ्रॉड होने का मूल और जो फ्रॉड सफल होते हैं उनको उसका कारण एक ही है कि मानव जो है, इंसान जो है वह मूलतः लोभी होता है। तो जो क्रिमिनल है वो टेक्नोलॉजी और मानव की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनको लोभ देते हैं, आपको इनाम मिल गया या और उसके लिए ये हमको दे दीजिए, अपना पासवर्ड दे दीजिए और उसके बाद फ्रॉड होता है। ये पुरानी एक पुराना तरीका है क्राइम का। दूसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट, तीसरा है रैंसमवेयर, उनसे आप उनका सिस्टम उसको कैप्चर कर लें अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, उनको अपना काम न करने दें और तभी आप उनको वापस काम करने दें जब आपको आपकी मांगी हुई राशि मिल जाती है। तो तरह तरह की के तरीके हो सकते हैं और जितना शातिर वो क्रिमिनल होगा उसका तरीका उतना ही नया होगा। मगर एक जो कॉमन बात है वो ये है कि वो हमेशा डिजिटल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं और वही एक ऐसा रास्ता है जिससे विक्टिम और क्रिमिनल दोनों जुड़ सकते हैं। मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम वो दोनों इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए और उसमें क्राइम संभव है। मेरा मैसेज आप सभी जानते हैं ये बात के साइबर क्राइम तब होता है जब कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको थोड़ा सा लालच होता है या फिर पैसे का। हालांकि हम ये नहीं कहते कि हमेशा पैसे का ही क्राइम होता है, ये तो हम बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इसलिए हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसे का क्राइम होता है, लेकिन दर्जनों ऐसे क्राइम हैं जो काफ़ी सीरियस नेचर के हैं, जैसे किसी का फ़ोटो उठा लेना सोशल मीडिया पे, उनका चेहरा दूसरे का चेहरा लगा के, आपने कई बार ऐसे भी केस सुने होंगे कि औरतों की तस्वीर ले लिए, उनका फ़ोटो मॉर्फ कर दिया फोटोशॉप में और चढ़ा दिया।
ये एक संगीन जुर्म है, इसको साइबर क्राइम ही बोला जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि कोई आपके दोस्त के नंबर से आपको मैसेज आता है कि 400 रुपये मैं फंस गया हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो 500 रुपये जल्द से जल्द भेज दीजिए। ये बहुत सिंपल क्राइम है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत संगीन जुर्म है, जिसमें औरतों का इंसल्ट होता है। तो ये हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ का समाधान है, लेकिन हम इस एफर्ट में और इस युद्ध में गुजरात पुलिस का साथ देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स और फैकल्टी मिलके ये काम करना चाहते हैं, और हम अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट करेंगे, अवेयरनेस के लिए करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे। एक्चुअल हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फील्ड में जाएंगे, पुलिस वालों की ज़िंदगी एकदम बारीकी से देखेंगे कि वो कितना सैक्रिफाइस करते हैं,